मैं एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ और एक जगह पर नौकरी किया करता था, और वो नौकरी मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि मेरे दिमाग में ढेर सारा पैसा कमाने का फितूर पैदा हो गया था। यह हमारे पार्टनरशिप की सबसे अहम शर्त है कि हम दोनों एक दूसरे के हमराज रहें, लेकिन तुम तो पहले दिन से ही सब कुछ छिपाने लग गए। अकेलापन तो महसूस होता है, लेकिन क्या करें, औलाद की खुशी के लिए माँ बाप को क्या नहीं करना पड़ता। आज से मेरा सफर शुरू है मेरी मंजिल की ओर। बहुत जल्द मैं उस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा जहां पर बराबर खड़ा होकर मैं तुमसे बात कर सकूंगा। कुमार। यस सर। मैंने होटल का पूरा दौरा किया है और हर तरफ बहुत ही बारीकी से देखा है। इस होटल की हालत बहुत ही खस्ता है। फ्रंट डेस्क पे एक आदमी नहीं था और रिसेप्शन पे जो आदमी बैठा हुआ था वो सो रहा था, और एक वेटर मुझे बैंक्वेट हॉल में नजर नहीं आया। इन हालात में जो होटल का हाल है वो तो होना ही था। मिस्टर जय कोहली अगर अपने स्टाफ को तनख्वाह देते तो कहां से देते। नए सिरे से इस होटल को चलाना होगा कुमार, नया रास्ता ढूंढना होगा। सर, इस होटल की जड़ों को खोखला करने में जनरल मैनेजर राणा साहब का हाथ है। सर, वैसे तो सारे अकाउंट्स मैं ही देखता हूँ, हुक्मनामा राणा साहब का चलता है। सर, होटल के रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स में देखना चाहता हूँ। जी सर, वो मेरे पास है, मैं आपको दिखाने ले आ रहा था। सर भाई, आप राणा से कहिए कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सर, लेकिन सर राणा साहब के ताल्लुकात कुछ ऐसे लोगों से हैं सर जिनसे उलझकर अपनी जिंदगी को खतरे में डालना है। सर, यानी कि जो कर्जा राजा भाई से लिया जा रहा था उसमें राणा का हाथ था। सर, बिजनेस में कर्जा लेना कोई बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन जब कर्जे को लेने के बाद उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो लेना बेकार है सर, और यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ सर। ठीक है, आप राणा से कहिए कि मुझसे मेरे कैबिन में आकर मिले। ओके, ठीक है सर। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ राणा, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि इस होटल को आज के बाद तुम्हारी जरूरत नहीं। ये तुम्हारी बची हुई सैलरी, यू कैन लीव। हेलो। हेलो, क्या मैं प्रेम से बात कर सकती हूँ प्लीज? जी हाँ सर। हेलो प्रेम। अरे सुजाता, तुम कहाँ से फोन कर रही हो? कैसे फोन किया? मैं फौजिया भाभी के घर से बोल रही हूँ। आज तुम्हारे काम का पहला दिन था ना, इसलिए मैंने पूछने के लिए फोन किया कि शुरुआत कैसी रही। कहीं फिर से मेरी काबिलियत पर से तुम्हारा भरोसा तो नहीं उठने लग गया? वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आज अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाने का मौका मिला। बाकी सब बातें तुम्हें खड़ा कर बताऊं। कब तक घर पहुंच रही हो? बस थोड़ी देर में निकल। घर पर मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, बाय बाय। मिस्टर राजदान, आज से मेरा सफर शुरू है मेरी मंजिल की ओर। बहुत जल्द मैं उस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा जहां पर बराबर खड़ा होकर मैं तुमसे बात कर सकूंगा।
प्रिय सुजाता, छप्पर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा प्रेम। छप्पर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सुजाता, आज घटा नहीं छाई, मगर फिर भी लगता है बूंदें बरसेंगी। मध्यम है चांद की चांदनी, लेकिन फिर भी निकला है चांद, शायद हमारे भी। झोंके नहीं है हवा की, लेकिन फिर भी कह रहे हैं सिमटने को। बिजलियां चमकी नहीं, लेकिन कह रही हैं लिपटने को। न जाने क्यों बहुत दिनों बाद दिल ने याद किया है उन गुजरे लम्हों को। आज जी चाहता है सिमटने को, लिपटने को, बिखरने को। अब अगर तुम्हें भी सरसराहट महसूस होने लगी हो, होंठ थरथरा रहे हो, धड़कन रुक जाने को कह रही हो, तो छत पर चली आओ। Sujata, may I have the pleasure of a dance?
कौन? तुम? वादा किया था ना कि सामने नहीं आओगे? मुझे नहीं पता था कि मैं वादा एक ऐसे इंसान के साथ कर रही हूं जो सच्चाई का सामना नहीं कर सकता। क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इस तरह मुझे जली कटी सुना रही हो। अगर मेरा बिगाड़ा होता तो मैं खामोश रह जाती, लेकिन तुम मेरे बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चे पर ज्यादती? कैसी ज्यादती? पहली ज्यादती तो तुम्हारी जुबान में धरी है। तुम इस बच्चे को अपना नहीं सकते? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। कैसी बात है? तुम अपने दिल को टटोल कर देखो, उस मासूम बच्चे के साथ इतना परायापन। ये वही बच्चा है जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी को जीवन दान मिला है, जिसकी वजह से तुम्हारी घर की दीवारें आज खड़ी हैं। आज तुम्हारी बीवी की हर मुस्कुराहट, हर खुशी की वजह वो बच्चा ही है। वो बच्चा बार बार तुम्हें अपनाने की कोशिश कर रहा है और तुम उसे धुतकार रहे हो। चलिए हम एक शर्त लगाते हैं। शर्त? कुछ दिनों के लिए मैं अपने बच्चे को अपने साथ घर लेकर जाती हूँ और तुम अपने घर को, अपनी बीवी को बचा कर दिखाओ। नहीं, देखिए देखिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए प्लीज। अब तो ये शर्त बिल्कुल लगेगी। नहीं, तुम इस घर को घर सा रख कर दिखाओ। अगर बच्चे के जाने के बाद ये घर खंडर ना हुआ ना, तो तुम जो भी कहो मैं हारी। मैं बच्चे को लेने जा रही हूँ। माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें शिकायत करने का मौका कभी नहीं दूंगा। जितना प्यार तुम्हारी मां तुमसे करती है, आज के बाद उससे कहीं ज्यादा प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करेंगे। अरे रुमाल, बेगम जरा मेरा रुमाल तो दीजिएगा। है, सब सामान है। ये लीजिए। जी। ओ, घड़ी भी भूल गया था मैं। थैंक यू। क्या बात है बेगम, आज आप कुछ बुझी बुझी सी नजर आ रही हैं। कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है भाई। हमें आपका ये उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ? हम ऑफिस जा रहे हैं, सारा दिन आपसे दूर रहेंगे, जरा सी अपनी मुस्कुराहट की रोशनी हमारे साथ भी कर दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। ना 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 ना, ऐसे नहीं। ये क्या फीकी फीकी सी मुस्कुराहट भाई? हमें लग रहा है जरूर कोई बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं। सच सच बताइए क्या बात है। हमने आज तक आपसे कुछ नहीं छुपाया मुझसे, और ना छुपा रहे हैं, लेकिन हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। बताने के लिए कुछ है नहीं, छुपा आप रही नहीं है, बात समझ में नहीं आ रही है। बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है, पर हाँ, एक मोहम सा डर, एक बेनाम सा खौफ जरूर महसूस कर रही हूँ। मोहम सा डर, बेनाम सा खौफ। बेगम पहेलियां मत बुझाइए, ये शायराना अंदाज में मेरे साथ गुफ्तगू मत कीजिए। भैया हम हलकान हुए जा रहे हैं, बताइए ना क्या बात है। मोहसिन यहाँ आइए। आइए, यहाँ बैठिए। जी, जो हुकुम। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे। ऑफिस नहीं जाएंगे? क्यों भाई? क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि आज आप मेरे साथ रहें। बेगम
ऑफिस नहीं जाएंगे तो कमाएंगे क्या? हमारे बेटे साहिल की तालीम कैसे पूरी करेंगे? और उन सबसे बढ़कर बात जो है वो ये है कि हम अपनी नर्म नाजुक खूबसूरत सी जो हमारी बीवी है, जो हमारी महबूबा भी है, वो खाएंगी क्या? मजाक छोड़िए, वो सब मैं नहीं जानती। और मैं कौन सा आपको हमेशा के लिए मना कर रही हूँ ऑफिस जाने के लिए। बस एक दिन, सिर्फ आज का दिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास रहें, इन नजरों के सामने। क्या आप पूरा एक दिन मेरे साथ नहीं बिता सकते? अरे बेगम, आप एक दिन की बात कर रही हैं, हम तो आपके साथ सारी जिंदगी भर रहने का एहदोपैमान कर चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चौदहवीं का चांद आज दिन में ही अपनी रोशनी बिखेरने वाला है? हटिए, वो बात नहीं है। अच्छा ठीक है बाबा, एक काम करता हूँ, कुछ जरूरी काम निपटाने, मैं दोपहर को वापस आ जाता हूँ, लंच साथ में लेंगे, ठीक? ठीक है। अब तो जरा सा मुस्कुरा दीजिए। ऐसे नहीं भाई, दिल से, रोज की तरह। ये हुई ना बात। थैंक यू। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी मैं अंदर आ सकती हूँ? रुखसार जी, आदाब। आदाब, आइए तशरीफ रखिए। ये है मेरे सर्टिफिकेट्स। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अम्मी ने जैसा आपके बारे में बताया था वैसे आप लगती तो नहीं है, बेबस, लाचार, मजबूर। ये तो खाला ने मेरे बारे में कम बताया है आपको। मोहसिन साहब, मेरा ना कोई आगे रहा ना पीछे, कुछ रिश्ते छूट गए और कुछ रिश्ते टूट गए। एक दिन अचानक पता चलता है कि जीने का शौक पूरा करना है तो अपनी जिम्मेदारी मुझे खुद ही उठानी पड़ेगी। ये तो खाला की वजह से मैं बच गई, नहीं तो हालात तो ऐसे थे कि मेरी जान लेने पर तुले हुए थे। मोहसिन साहब, इस शहर में नौकरी मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन शराफत की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। नौकरी का रोना आप क्यों रो रही हैं? नौकरी तो आपको मिल चुकी है। जी मिल चुकी है। जी आप चाहें तो कल से नौकरी पे आ सकती हैं। अगर मैं नौकरी आज से ज्वाइन करना चाहूँ तो आप नौकरी पे आ चुकी हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब।